नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। ये बात मेरी समझ के परे है कि भारतीय जनता पार्टी हो या महाराष्ट्र के राज्यपाल हो, वो फ्लोर टेस्ट से भाग क्यों रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो है आज भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले या राज्यपाल की नुमाइंदगी करने वाले जो थे, वो लगातार ऐसा क्यों कह रहे थे कि अभी 14 दिन बाकी हैं, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निहायत ही बेशर्मी से ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। 50 करोड़ से 100 करोड़ दिए जाएंगे विधायकों को, इस तरह का ड्रामा चल रहा है। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर मंगलवार सुबह फैसला सुनाएगा, मगर यह सवाल उठना बहुत लाजमी है। इस बीच इस मुद्दे को लेकर संसद में भी बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने इसे लोकसभा में उठाया। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप सुनिए। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। जो बात आज हम न्यूज चक्र में कहने जा रहे हैं वो ये कि लोकतंत्र के लिए ये एक काला दिन है, वाकई काला दिन। मगर एक हकीकत और भी है, बर्बाद गुलिस्तां की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। जी हां, भारतीय लोकतंत्र के हर शाख पे उल्लू बैठा है और ये तथाकथित उल्लू हमारे लोकतंत्र को दफन कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से महाराष्ट्र और उससे जुड़े सियासी घटनाक्रम में बार बार लोकतंत्र को दफनाया गया, संवैधानिक मूल्यों की हत्या की गई, और इसमें इन चेहरों का किरदार था। सबसे पहला चेहरा राज्यपाल, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी, मगर जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा चेहरा राष्ट्रपति का दफ्तर। जी हां, यहां से भी कुछ चीजें उभर कर आईं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तीसरा चेहरा भारतीय जनता पार्टी खुद, मगर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, अब तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए। और चौथा चेहरा जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है, वो है गोदी मीडिया। आप जानते हैं कल देर शाम से, यानी रविवार देर शाम से खबरें सामने उभर कर आने लग गई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन लोटस। सरल शब्दों में एक ऐसा अभियान जिसके तहत वो पैसा देकर खरीद फरोख्त कर रहे थे एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के विधायकों की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया के मुताबिक कौन से चार चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए लगा दिए। पहले दो चेहरे वो हैं जो कांग्रेस में हुआ करते थे, यानी कि राधाकृष्ण विखे पाटिल और नारायण राणे आपके स्क्रीन पर, और बाकी दो चेहरे जो कि एनसीपी से हुआ करते थे वो थे गणेश नायक और बबन राव पशुपते, और ये दोनों एनसीपी से। ये जो न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है कट्टा न्यूज, उसके मुताबिक तीन बातें सामने उभर कर आ रही थी कि खरीद फरोख्त के लिए 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे हर विधायक को। दूसरी बात, अगर पैसा नहीं तो मंत्रालय का वादा या किसी तरह से कॉरपोरेशन का वादा। और चौथी बात, प्रोजेक्ट सैंक्शंस, यानी कि अगर आपकी कोई परियोजना फंसी हुई है तो उसे अनुमति दे दी जाए। मगर आप जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है? सबसे शर्मनाक बात यह है दोस्तों कि जिस मीडिया का काम था इसे उजागर करना, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना, वो खुलेआम इसे एक उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहा था, इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश कर रहा था। मसलन इस चैनल के स्क्रीन शॉट पर निगाह डालिए, यह चैनल क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चैनल कह रहा है महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, चार नेताओं को मिली जिम्मेदारी। और अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए लगातार कोशिश जारी है। बदले हुए हालात में महाराष्ट्र बीजेपी ने विपक्ष के ऐसे विधायकों की सूची तैयार की है जो आसानी से टूट सकते हैं। ऐसे विधायक जिनके टूटने की संभावना है उन्हें मंत्रालय के प्रस्ताव के दिए जा रहे हैं। इसके अलावा विधायकों के चुनाव क्षेत्र में अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का वादा है। जी हां, और बात यहां नहीं रुकती, इस एक और चैनल पर गौर कीजिए। यह चैनल भी कह रहा है कि ऑपरेशन लोटस पर काम कर रही है बीजेपी। सवाल कर रहा है चैनल, क्या सिर्फ सवाल करना चाहिए था तुम्हें?
तुम्हें एक्सपोज करना चाहिए था इसे, जी हां, मगर हर बार की तरह मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। मुझे चिंता इस बात की है दोस्तों कि मीडिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ धुरंधरों को चाणक्य बताती है, आने वाली पीढ़ियां चाणक्य को कैसे याद रखेंगी? एक ऐसा शख्स जो डरा धमका के पैसे के एवज में विधायक खरीदता था, सरकारें गिराया करता था, क्या वो चाणक्य का यह स्वरूप पेश कर रहे हैं? अब यहां देखिए, एनसीपी के कुछ विधायक इस होटल में रुके हुए हैं और यहां पुलिस पहुंच गई प्लेन क्लोथ्स में, और यहां आप देख सकते हैं एनसीपी के नेता जीतने नवाड़ जो हैं वो इन पुलिस वालों से सवाल कर रहे हैं, उनकी पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट को रविवार ही को यह फैसला दे देना चाहिए था कि 24 घंटे के अंदर यानी कि सोमवार को फ्लोर टेस्ट किया जाए। यह देरी कई मायनों में ठीक नहीं है क्योंकि खुलेआम प्रजातंत्र का मजाक हो रहा है, और इसी तरह का मजाक आज से कई साल पहले हुआ था 1975 को। क्या आप जानते हैं कि आपके स्क्रीन्स पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया था इमरजेंसी लागू करने के लिए, मगर इसे लागू करने के लिए बहुत जरूरी था कि इंदिरा गांधी दोनों सदनों की यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति लें, अपने कैबिनेट की अनुमति लें, मगर इंदिरा ने ऐसा कुछ नहीं किया। इतिहास दोस्तों एक बार फिर दोहराया जा रहा है, और इस बार 2019 को। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन को जिस तरह से महाराष्ट्र से हटा दिया गया, इसके लिए भी जरूरी था कैबिनेट की अनुमति। क्या कहता है नियम कि कैबिनेट की बैठक के बिना नहीं हटाया जा सकता राष्ट्रपति शासन। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की किस धारा का इस्तेमाल किया इसे हटाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1961 में भारत सरकार के कार्य संचालन नियम 12 के तहत प्रधानमंत्री के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश की जरूरत को नजरअंदाज करने की विशेष शक्ति है। नियम 12 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री को इन मामलों में उन नियमों से हटने की छूट होती है जो जरूरी समझे जाते हैं, यानी कि नियम 12 है। मगर क्या आप जानते हैं कि नियम 12 का इस्तेमाल सिर्फ असामान्य हालात में हो सकता है। किस तरह के असामान्य हालात? अगर आपातकाल जैसे हालात हो, अगर राष्ट्रहित से जुड़ा मुद्दा हो, आंतरिक अराजकता का मामला हो। इससे पहले धारा 370 के सिलसिले में इसका इस्तेमाल किया गया था। मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जो मैंने आपको 3-4 मुद्दे गिनाए, आंतरिक अराजकता, आपातकाल, क्या कहीं पर भी फिट बैठता है? तो ऐसे में आर्टिकल 12 का इस्तेमाल या नियम 12 का इस्तेमाल अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि किस तरह से राष्ट्रपति के पद का, उनके ऑफिस का भी बेजा इस्तेमाल हुआ है। किस तरह से देर रात राष्ट्रपति कोविंद को उठाया गया, 5:47 पर उन्होंने उस अधिसूचना पर दस्तखत किए जिसके जरिए राष्ट्रपति शासन को हटा दिया ताकि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए और अजीत पवार को उनका डेप्यूटी सीएम, नियमों की अनदेखी करते हुए। मगर आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरा ड्रामा, ड्रामे के पीछे का ड्रामा। जी हां, इसकी शुरुआत हो गई थी चुनावों से ठीक पहले। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर ये तीन चेहरे थे, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और खुद अजीत पवार। शरद पवार, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय इन पर अपना शिकंजा कसने लगा था। दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो उनकी कंपनी के दाऊद इब्राहिम या इकबाल मिर्ची के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी जांच शुरू हो गई थी। और रही बात अजीत पवार की, तो मैं आपको बता दूं जो शख्स रातों रात उप मुख्यमंत्री बन गया, बकौल बीजेपी ये शख्स 95,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोपी है। देवेंद्र फडणवीस ने, जैसे कि आप जानते हैं, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले को उठाकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी। मगर उसके बाद क्या होता है, चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 105 सीटें मिलती हैं। शिवसेना अड़ जाती है, वो उसके पुराने वादे की याद दिलाती है कि आपने कहा था कि रोटेटिंग बेसिस पर मुख्यमंत्री होगा, यानी कि मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से भी होगा, जिससे बीजेपी मानने से इनकार कर देती है। यहां पर आरएसएस के खास और राज्यपाल
भगत सिंह कोश्यारी का किरदार आ जाता है। वो सबसे पहले आमंत्रित करते हैं भारतीय जनता पार्टी को 9 नवंबर को सरकार बनाने के लिए। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस को या बीजेपी को मिलते हैं 48 घंटे, मगर जब वो शिवसेना को बुलाते हैं तो शिवसेना को मिलते हैं 24 घंटे। शिवसेना कहती है हमें और वक्त चाहिए, मगर उन्हें और वक्त नहीं दिया जाता है, 48 घंटे भी नहीं दिए जाते हैं। फिर एनसीपी को बुलाया जाता है, उन्हें मिलते हैं 24 घंटे, और एनसीपी के डेडलाइन खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने क्या बताया था आपको कि राज्यपाल के पद का भी दुरुपयोग हुआ है। कैसे? क्योंकि राज्यपाल ने यहां पे 1994 के एसआर बुम्बई मामले का साफ तौर पर उल्लंघन किया था। एसआर बुम्बई मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, मगर इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर हैं एसआर बुम्बई, जो कि 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त वहां के राज्यपाल थे पी वेंकट सुब्बैया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एसआर बोमई पी वेंकट सुब्बैया को खत लिखते हैं कि मैं सदन के पटल पर अपने बहुमत का परीक्षण करना चाहूंगा। उस वक्त जो वेंकट सुब्बैया थे उन्हें भी वही डर था जो कि भगत सिंह कोश्यारी ने जाहिर किया। भगत सिंह कोश्यारी को भी लग रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख्त होगी, लिहाजा उन्होंने वक्त नहीं दिया एनसीपी को और पहली राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यही बात वेंकट सुब्बैया ने किया था। मामला अदालत में गया और 1994 में एसआर बुम्बई को जीत मिली, और यही था एसआर बुम्बई मामला। राज्यपाल ने कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति कोविंद इस पर दस्तखत कर देते हैं। मगर इसका क्या मकसद हो सकता था दोस्तों? कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी खरीद फरोख्त, नहीं, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों को समझाए जब तक राष्ट्रपति शासन चल रहा है, और समझाकर अपने पाले में लाए। अब ये किस तरह से समझाएगी ये आप खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि ऑपरेशन लोटस जो है रविवार शाम को लॉन्च कर दिया गया था। अब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले होते हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर यह अनैतिक है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जनादेश इसके लिए बिल्कुल नहीं था। जनादेश किसके लिए था? जनादेश था बीजेपी और शिवसेना की सरकार के लिए। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिक अधिकार है ये कहने का कि एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं है सरकार बनाने का? आपने बिहार में क्या किया? बिहार में तो लालू और नीतीश साथ लड़े थे, मगर अब सत्ता में कौन है? नीतीश और बीजेपी। कश्मीर में क्या हुआ? जिस पीडीपी को आप गरियाते रहते थे, देशद्रोही बताते रहते थे, उन्हीं के साथ आपने सरकार चलाई इतने सालों तक। यही नहीं, गोवा में नंबर वन पार्टी कौन थी पिछले विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस थी। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी। तो देखिए, नैतिक अधिकार तो कतई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, मगर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यकीनन अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बना रही है या बनाने जा रही है तो यह सरासर अनैतिक है राजनीतिक तौर पर। अब जैसे ही यह हुआ तो एक डील हो गई, और कुछ समाचार पोर्टल्स के मुताबिक, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको, अ डील वॉज हैश अंडर विच अजीत पवार, हु वॉज बुक्ड बाय द ईडी इन सेप्टेंबर फॉर द कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, अग्रीड टू सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस। यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के जरिए अजीत पवार पर दबाव था, और यही चक्कर था कि अजीत पवार जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ आ गए। मामला पूरी तरह से पलट गया, और इसी दौरान, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति कोविंद को देर रात उठाया गया और सुबह आनन फानन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा दी गई। अब यहां पर दो चीजें उभर कर आती हैं। अजीत पवार ने पार्टी के एमएलए से दस्तखत किए। इसमें दिक्कत यह है दोस्तों कि अधिकतर विधायक ये कह रहे हैं कि हमसे सिर्फ अटेंडेंस को लेकर, उपस्थिति को लेकर हस्ताक्षर कराए गए, देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने के लिए नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जब अजीत पवार इस समर्थन के साथ आए तो राज्यपाल कोश्यारी ने इस बात की जांच नहीं की कि दरअसल यह समर्थन किस मुद्दे पर किया है, और यह कहीं ना कहीं पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के
उस बयान के बिल्कुल उलट था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि के आर नारायण ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि द गवर्नर्स हु डोंट टेक स्टेप्स टू इंश्योर द चीफ मिनिस्टर दे आर स्वेरिंग इन एक्चुअली हैज द सपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ एमएलएज विल एंड अप एनकरेजिंग ब्राइबरी एंड हॉर्स ट्रेडिंग। यानी कि बहुत जरूरी है कि जो समर्थन मिल रहा है एमएलएज का उसकी वजह को टटोला जाए, वरना इससे रिश्वत को बढ़ावा मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों मीडिया भी अपना खेल खेल रहा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब मीडिया अपना यहां पर खेल कर रहा था। मीडिया को सवाल करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से इस तरह से, जिस तरह से संविधान की हत्या की जा रही थी, मगर मीडिया क्या चला रहा था मैं आपको दिखाता हूं। आपके सामने यह चैनल जो बता रहा है महा मास्टर स्ट्रोक, क्या सत्ता की भूख की वजह से उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ है? यानी कि सत्ता की भूख सिर्फ शिवसेना को, और बीजेपी तो परोपकार कर रही है। बात यहां नहीं रुकती है। इस और पत्रकार को पढ़िए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक महासचिव का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच वहां से शुरू होती है जहां बाकी लोगों की सोच खत्म होती है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से ये पूरा ड्रामा हुआ है वो इसका प्रमाण है। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपके हाथ में बेतहाशा पैसा हो, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाला 95% पैसा हो, तो किसी का भी दिमाग वहां तक चल सकता है। और साथ ही अगर आपके हाथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तमाम तरह की एजेंसीज हो, तो जाहिर सी बात है आप जहां से भी सोचेंगे जीत आपकी होगी। इन पत्रकारों को सवाल करना चाहिए था सत्ता से, मगर ये नहीं कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपको बताया कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस की जय जयकार कर रही थी मीडिया। मुझे दुख इस बात का है दोस्तों कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सांविधानिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, हम इसी माहौल में अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। भविष्य में हमारे बच्चों को या हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह सब सामान्य लगेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी, कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। दोस्तों जानते हैं मामला यहां नहीं रुकेगा। वो एक डायलॉग भी है जिसे बार बार मैं दोहराता हूं कि अभी तो हमें और जलील होना है। अभी भारत और इसके न्यू इंडिया में जो लोकतंत्र चल रहा है उसे और जलील होना है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस चौथे स्तंभ को सरकार को एक्सपोज करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सपोज करना चाहिए, वो उनके साथ गलबैया डाल के चल रही है। और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मगर न्यूज चक्र में हम ये मुद्दे आपके सामने बदस्तूर लाते रहेंगे। आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।